दोस्तों बालवीर रिटर्न शो जिस टाइम पर बंद हुआ था उस टाइम पर बालवीर के नए सीजन के लिए फैंस का डिमांड एक अलग ही लेवल पर था। फैंस का डिमांड इतना ज्यादा था कि बालवीर फैंस ने कुछ ही दिनों में बालवीर रिटर्न्स के लास्ट एपिसोड पर 1,00,000 से ज्यादा कमेंट्स कर दिए थे। लेकिन वहीं पर यदि बालवीर 3 के आने के बाद की फैंस की डिमांड के बारे में बात करें तो उस मुकाबले बिल्कुल ही शून्य डिमांड है अभी। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बालवीर रिटर्न्स में ऐसा क्या था जिस वजह से शो के बंद होने के बाद फैंस का डिमांड उतना ज्यादा था, और बालवीर 3 में फैंस क्या देखना चाहते थे और बालवीर 3 में फैंस को क्या देखने के लिए मिला। बालवीर 3 जब शुरू हुआ तो बालवीर 3 के कुछ एपिसोड्स यूट्यूब पर भी ट्रेंडिंग में थे और बालवीर 3 गूगल पर भी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही बालवीर 3 के और कुछ एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए, धीरे धीरे यूट्यूब पर भी व्यूज डाउन हो गए और टीआरपी भी गिरने लगी। मतलब कि दोस्तों इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि बालवीर रिटर्न्स के बंद होने के बाद फैंस ने जिस वजह से डिमांड किया था, जो चीज बालवीर 3 में फैंस को देखना था वो कहीं ना कहीं उन्हें शो में देखने के लिए नहीं मिला। और 100 एपिसोड कंप्लीट करते करते हालत इतनी खराब चलने लगी कि सोनी सबको इस शो को कुछ दिनों का ब्रेक देना पड़ा। तो दोस्तों अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बालवीर 3 में फैंस क्या देखना चाहते थे, बालवीर रिटर्न्स के बंद होने के बाद फैंस ने किस चीज के लिए डिमांड किया था और उन्हें बालवीर 3 में क्या देखने के लिए मिला। तो इसका जवाब है बालवीर रिटर्न्स की अधूरी कहानी। जी हां दोस्तों, बालवीर रिटर्न्स में कुछ ऐसी कहानियां अधूरी छोड़ी गई थी जिसे फैंस शो में पूरा होते हुए देखना चाहते थे, जैसे कि बालवीर का इतिहास, बालवीर और रे भाई है, साथ हम शक्लों की कहानी और भी दोस्तों बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां जिसे बालवीर रिटर्न्स में अधूरी छोड़ी गई थी। दोस्तों बालवीर रिटर्न्स की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बस उन कहानियों को कभी पूरा ही नहीं किया गया। और यही कुछ चीजें थी जिस वजह से बालवीर रिटर्न्स के बंद होने के बाद फैंस ने बालवीर के नए सीजन के लिए इतना ज्यादा डिमांड किया था। लेकिन इतना ज्यादा डिमांड करने के बाद भी जब बालवीर 3 आया तो क्या हुआ, फैंस के सारे अरमान आंसुओं में बह गए। बालवीर रिटर्न्स के साथ बालवीर 3 का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया जिस चीज के लिए फैंस डिमांड कर रहे थे, और बालवीर 3 को एक अलग ही कहानी के साथ शुरू किया गया जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और धीरे धीरे करके बालवीर 3 खत्म हो गया। दोस्तों यदि अभी भी मैं बालवीर 3 के किसी एपिसोड के कॉमेंट्स को देखता हूँ तो अभी भी काफी सारे फैंस ये कॉमेंट्स करते हैं कि क्या बालवीर रिटर्न्स का एपिसोड 355 आएगा, क्या कभी बालवीर रिटर्न्स की कहानी पूरी करी जाएगी, और चाहे किसी यूट्यूबर का वीडियो हो वहाँ पर भी अधिकतर फैंस यही कॉमेंट करते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि यदि बालवीर के आने वाले किसी सीजन में किसी तरह से बालवीर रिटर्न्स की कहानी को कम्प्लीट करी जाती है, यदि मल्टीवर्स और टाइप की कहानी दिखा करके किसी तरह से बालवीर रिटर्न्स की कहानी को कम्प्लीट करी जाती है तो ये मेकर्स का फैंस के ऊपर एक बड़ा एहसान होगा। वैसे मल्टीवर्स से याद आया कि बालवीर 4 जो कि जल्दी आने वाला है, जिसके एपिसोड्स ऑलरेडी शूट करके रखे हुए हैं, तो बालवीर 4 में मल्टीवर्स की कहानी दिखाई जाने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फैंस के लिए एक सैड न्यूज है। सबसे पहले जब हमें ये पता चला था कि इस शो में अभी मल्टीवर्स की कहानी दिखाई जाने वाली है तो उस टाइम पर हमें लग रहा था कि अभी शायद ये लोग बालवीर रिटर्न्स की कहानी को कनेक्ट कर सकते हैं, और उस टाइम पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये लोग अभी बालवीर रिटर्न्स की कहानी को जोड़ दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अभी एक नया ही मल्टीवर्स बना दे। और कुछ टाइम बाद जब हमने बालवीर 4 के कुछ BTS वीडियो देखा तो हमें ये पता चला कि इस बार ये लोग एक अलग ही मल्टीवर्स बना रहे हैं, मतलब कि इस मल्टीवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर्स होंगे। इस बार भी बालवीर रिटर्न्स का बालवीर 4 के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया जाएगा। तो अभी जितने भी बालवीर फैंस ये चाहते हैं कि बालवीर रिटर्न्स की कहानी को पूरी की जाए, तो अभी फिलहाल तो ये नहीं होने वाला है, मतलब कि बालवीर 4 में। लेकिन हां, देखते हैं आने वाले सीजन में यदि मेकर्स चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी यहां बालवीर 4 की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर बालवीर के पिताजी के बारे में कहानी दिखाई जाएगी। इसके अलावा मल्टीवर्स की कहानी भी दिखाई जाएगी बालवीर 4 में। कई सारे नए कैरेक्टर्स और भी काफी कुछ हमें बालवीर 4 में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आप लोग बालवीर 4 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।